शांति। 8 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है। हमें अब बाप के साथ पहले तबके यानी फ्लोर में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी है। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति, यह किसने कहा? दो बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने। यह बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार, वह कभी साकार बनती ही नहीं। पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है, भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती न विचित्र की। बुद्धि में आता है परमपिता परमात्मा, विचित्र है उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुखहर्ता सुखकर्ता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। पहला तबका फिर दूसरा तबका, ऊंच ते ऊंच मूल वतन उस तबके में रहने वाला है परमपिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं, थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी है, इसमें मूंझना नहीं है। यह बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता है। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं
कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहां हैं आत्माएं, यहां हैं जीवात्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए, बरोबर। हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं, हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, जो अभी तक पाठ बजाने लिए आते रहते हैं। साकार में वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा है, यह नशा होना चाहिए, अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़े ही होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे, सेंसिबल कौन, आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं, हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, वहां से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा साकारी सृष्टि में है, साकारी बाबा निराकारी सृष्टि में, निराकारी बाबा। यह तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सो तुम यहाँ ठहराना, वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना, दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तुम यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले जरूर बीज होता है, जैसे सिजरा बनाते हैं। बड़ा बाप फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते, एक दो वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है, ऊंचते ऊंच है बाप। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सतयुग में तो यह नॉलेज किसको भी रहती नहीं, बाप ही इस संगम युग पर आकर यह नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, वह है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, भाई का जरूर बाप भी होगा ना, वह है परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं, पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है,
सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम परमपिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो आधा कल्प, फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुख धाम में रहेंगे। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी, वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यह आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतु प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतु प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है, उनको कहते ही हैं गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है, यह ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते, वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारी ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वह मजा नहीं रहता है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज होती है। यह दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इनकी एंड कहाँ है वह निकाल नहीं सकते। चलते जाओ एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। यू साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। खेती आदि भी तो चाहिए ना, वहां तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। आत्मा शरीर बगैर कैसे खाएगी, वहां तो अभोक्ता है। खाने व भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं। बाप समझाते हैं, यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। यह तो नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने, अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं, बाप ने इसमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं, जैसे तुम ऑर्गन्स ले पाठ बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का
आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पाठ कैसे बजाऊं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई। मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है, तुम बच्चे समझते हो। बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया, तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने। बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं, वहाँ कोई दुख रोग होता नहीं। यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है, कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतु प्रधान, फिर सतु रजो तमो बनती है। सतयुग में पांच तत्व भी सतु प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतु प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की दो कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी दो कला कम हो जाती है। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। दूसरा किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है, वरदान है। फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। अमृत वेले से लेकर
रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंधकों चक्करों जो हर संकल्प हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो जरूर कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए, तो चारों ओर से चेक करो। इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके